तो अभी यार हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। दो वेक्टर के बीच का एक खास प्रोडक्ट था जिसकी डेफिनेशन में हम लोग डॉट सिंबल यूज कर रहे थे, ऑपरेशन के लिए डॉट सिंबल यूज कर रहे थे। और अब हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस सिंबल। डॉट ऑपरेशन वेक्टर्स के बीच में होता था और ये भी वेक्टर्स के बीच में है, लेकिन यार डॉट सिंबल से जो आंसर आता था वो आंसर कैसा होता था, स्केलर। क्रॉस से जो आंसर आने वाला है वो कैसा आने वाला है, वेक्टर। इसलिए इस के नाम को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट। वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, और ये क्या है, उसकी डेफिनेशन का आउटकम स्केलर था और इसकी डेफिनेशन का आउटकम वेक्टर, इसलिए ये अंतर है। रही बात ऑपरेशन किनके बीच में होता है, तो वो भी ऑपरेशन किनके बीच में होता है, वेक्टर्स के बीच में, और ये भी ऑपरेशन किसके बीच में होता है, वेक्टर्स के बीच में। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले यहीं से बात शुरू करेंगे क्योंकि हर चीज का जवाब यहीं से मिलेगा। किसी भी फिजिक्स के टॉपिक में यार बात शुरू होती है तो लॉ से, प्रिंसिपल से या डेफिनेशन से, और आगे की सारी कड़ियों के जवाब डेफिनेशन से ही मिलेंगे क्योंकि यहीं से बात शुरू हो रही है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, ए बी साइन थीटा इतना होता तो हम बहुत खुश होते क्योंकि ये सब कुछ पहले जैसा है, नहीं, लेकिन इसके बगल में एक और है और बहुत गंदा है देखने में। इसका नाम पता है क्या है, इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा कैप। क्या नाम है, ईटा कैप। तो यार इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि अगर हमने ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स लिए हैं ए और बी, तो यार ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये तो पिछली बार भी था। मुद्दा यार ये ईटा कैप क्या है, और ईटा कैप आते ही क्या अब ये पूरा टर्म स्केलर है या वेक्टर है। भाई ईटा कैप तो एक यूनिट वेक्टर नजर आ रहा है, कैप हम उसी के ऊपर लगाते हैं जिस जो एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो हम नाम से ही समझ गए थे कि ये यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर में क्या खासियत है, क्या मैं कह सकता हूं इस पूरी डेफिनेशन की जो डायरेक्शन है वो ये तय कर रहा है, क्या जो ईटा कैप की डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी, क्योंकि उसी का तो रिजल्ट है ना। या कोई ए क्रॉस बी का एक नाम दे दे सी, तो वही सी की डायरेक्शन है यार, सी जो है वही ए क्रॉस बी है, वही ए बी है, नहीं बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो क्या मैं कह सकता हूं ईटा कैप इज अ यूनिट वेक्टर, पहले बात तो ये बात है, और उसके अलावा जो लिखा है ये फिर क्या है, मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसके बगल में यूनिट वेक्टर, तो दोनों चीजें मैंने यहां दिखाई हैं। ये मैग्नीट्यूड है, यानी कल को कोई ये कहे यार कि ए क्रॉस बी का मॉड या सी का मॉड क्या होगा, तो उसमें फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है, कितना होगा, ए बी साइन थीटा, है ना। कोई कहे यार ईटा कैप का मॉड क्या होगा, वन होगा, क्योंकि पहले ही हमने तय किया है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यार यूनिट वेक्टर है तो इसकी अपनी कोई डायरेक्शन होगी, और उस डायरेक्शन का लेना देना किससे होना चाहिए, यार इस ईटा कैप के डायरेक्शन का लेना देना ए से होगा और बी, क्योंकि उसी का तो आउटकम है। तो ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू बोथ किसके किसके, ए एंड बी। ईटा कैप यूनिट वेक्टर है और इसकी खासियत है कि ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो अब अगर मैं कहूं कि यार ये ए है ये बी है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बताओ, बाहर ये मार्कर क्या ए और बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये डायरेक्शन। लेकिन क्या एक हम अंदर भी इमेजिन कर सकते हैं, वो भी तो परपेंडिकुलर है। तो यार दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हम सोचने जाते हैं तो हमारे दिमाग में दो कंफ्यूजन है, ये भी ए क्रॉस बी, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन और अंदर वाली डायरेक्शन भी, तो अब इनमें से कौन सी माने। तो इसमें यार डेफिनेशन में एक और बात मेंशन करी है, फॉलोइंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, तो बात आती है यार ये राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल के लिए हमें सबसे पहले अपना राइट हैंड खाली करना है, ऐसे
और ए से हवा करते हुए कहां जाना है? हवा करते हुए दो तरीके होते हैं हाथ घुमाने के, एक ऐसे ऐसे और एक होता है ऐसे ऐसे। ये गला काटने का इशारा है, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? ऐसे, जिससे हवा आए। तो ए से बी हवा करते हुए चलोगे तो अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए से बी चलोगे तो बाहर इशारा कर रहा है, और अगर बी से ए चलोगे, इसका मतलब ए क्रॉस बी के अपना एक डायरेक्शन है और बी क्रॉस ए का, दोनों सेम चीजें नहीं है। क्योंकि राइट हैंड रूल लगाओगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां आ रहा है? बाहर। और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहां आ रहा है? अंदर। ये बात भी समझ में आना चाहिए। अब जैसे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों एक ही चीजें होती हैं भाई। डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा और बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा होगा, तो उससे क्या रिजल्ट में कोई अंतर आया? लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम चीज नहीं होती है। क्या मैं कह सकता यार, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑपोजिट वैक्टर? नहीं कह सकता यार। सोच के देखो यार, ए क्रॉस बी करने से बाहर डायरेक्शन आ रही है, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। बी क्रॉस ए करने से मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी ए साइन थीटा है, तो वही। लेकिन डायरेक्शन कहां आ गई? और जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। और अपोजिट वेक्टर में एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या? कि दोनों एक दूसरे का माइनस टाइम्स होते हैं। क्या बी क्रॉस ए को मैं माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि दोनों कैसे हैं? अपोजिट वेक्टर। क्या मैं एक बात और लिख सकता हूं कि बी क्रॉस ए का मॉड और ए क्रॉस बी का मॉड सेम होगा? क्योंकि यार इसका मॉड होगा ए बी साइन थीटा, उसका होगा बी ए साइन थीटा, तो वो कोई अलग अलग थोड़ी आ जाएगा। ये बातें पहले समझ में आना चाहिए। जैसे ही हमने ईटा कैप की डायरेक्शन डिफाइन की है तो ये बातें इतनी समझ में आ जाना चाहिए। ये बताओ जरा, अपोजिट और एंटी पैरेलल में क्या अंतर होता था? एंटी पैरेलल हर वो दो वेक्टर हैं जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, नहीं? लेकिन अपोजिट केवल उन्हीं को कहते थे जिनका मैग्नीट्यूड, तो इनमें मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, 180 का एंगल भी है। क्या मैं कह सकता हूं, अपोजिट दैट मींस एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल की कैटेगरी में तो आ ही जाएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल में ही जब सेम मैग्नीट्यूड होता है तो उसको अपोजिट कहने लगते हैं। अपोजिट बहुत पर्टिकुलर डिस्कशन है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग एकदम लास्ट में समझेंगे, पहले थोड़ा और बातें कर लेते। चलो यार, मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूं फिर हटा दूंगा। मॉड ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। देखिए यार, अगर मैं कहता हूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो किसी के मन में एक ख्याल आ सकता है कि पैरेललोग्राम तो चार साइड का होता है, इसमें कितने साइड हैं? दो। तो हम क्या कर सकते हैं, ए के पैरेलल एक लाइन यहां बना दें उसी लेंथ की, और बी के पैरेलल एक लेंथ यहां बना दें उसी की लेंथ की। यार ये ए लेंथ का है तो ये भी क्या है? ए लेंथ का है। ये बी लेंथ का है तो ये भी क्या है? क्या यहां एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है ये हम शो कर सकते हैं कि वो ए बी साइन थीटा होता है। क्या शो कर सकते हैं? कि वो ए बी साइन थीटा होता है।
और ए बी साइन थीटा मतलब क्या? ए क्रॉस बी का मॉड। एक बार समझ लेते हैं बस, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका और कोई मतलब है नहीं। मुझे बताओ, किसी भी चीज का एरिया, हमने रेक्टेंगल का एरिया बचपन में पढ़ा है, क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। मैं एक काम कह रहा हूं, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, यहां मैं एक रेक्टेंगल दिखा रहा हूं। मुझे बताओ जरा, इस ब्लैक वाले रेक्टेंगल का एरिया और इस ब्लू वाले पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा या अलग अलग? सेम होगा। लॉजिक क्या है कि जितना पोर्शन मैंने यहां हटाया है उतना यहां बढ़ाया है, तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल का होगा वही पैरेललोग्राम का होगा। अब मुझे बताओ, रेक्टेंगल का एरिया हमने बचपन से निकालना सीखा है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है? तो लेंथ ए है और ये हाइट कितनी है मैं अभी दिखा रहा हूं। क्या बताओ, ये बी वेक्टर ये थीटा एंगल पे था, अरे ये थीटा तो ए बी क्या था, ये लेंथ कितनी आएगी और सामने वाली क्या आएगी? अब मुझे बताओ, इस रेक्टेंगल की लेंथ ए है और ब्रेथ बी साइन थीटा है, तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्या ये दिख रहा है? और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? ए इंटू बी साइन थीटा, यानी क्या होगा, ये ए क्रॉस बी हो गया कि नहीं? खैर, हमें ये रटा होगा तो भी चलेगा, बट एक बार समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। कैसे? ए की पूरी पूरी और बी साइन थीटा, ये एरिया हमने निकाला है और वो ए बी साइन थीटा आया है, तो जब ये एरिया ए बी साइन थीटा आया है तो ये एरिया भी ए बी साइन थीटा ही होगा। क्या इतनी बात जस्टिफाइड है? दो वेक्टर से कभी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, हमने जबरदस्ती उसको बनाया है। क्या इतनी बात जस्टिफाइड है? दो वेक्टर से कभी ट्राइंगल भी नहीं बन सकता है, मगर कैसे बनाना है ये भी समझ लें। सोचिए, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, क्या दो वेक्टर से कभी ट्राइंगल बन सकता है? नहीं। लेकिन मैंने कहा एक साइड ये है और एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो तीसरी साइड कहाँ है? अरे तीसरी साइड पर ये, अगर ट्राइंगल ही बनाना है तो बंद कर दो जितना पोर्शन दिख रहा है। क्या अब ये ट्राइंगल बन गया है कि नहीं तुम्हें दिख रहा है? ये एरिया और इस ब्लू वाले एरिया में सीधा सीधा क्या कनेक्शन है? जितना इस पैरेललोग्राम का एरिया है, क्या ये उसका हाफ है? अब मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या ये एरिया होगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी? कोई दिक्कत है भाई लोग? एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड ऑफ ए एंड बी एस टू साइड कितना होगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बता सकते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता सकते हैं, जो पूछा जा सकता है। नोट कर लें,
नोट कर लिया भाई। तो जैसे यार हम लोगों ने पिछली बार डॉट ऑपरेशन करना सीखा था दो वेक्टर का, अब मैं किसका क्रॉस ऑपरेशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डॉक्टर बनने से पहले बहुत तरह के ऑपरेशन सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखे थे, वो भी एक तरह का ऑपरेशन था, डी बाई डी एक्स ऑपरेशन, फिर इंटीग्रल ऑपरेशन। अभी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार डॉक्टर बनने के बाद अगर गलत ऑपरेशन हुआ ना तो परिजन लोग यार हॉस्पिटल की तोड़फोड़ बहुत करते हैं, और फिर हेडलाइंस में निकलता है कि परिजन ने डॉक्टरों को घेर कर पीटा तो वो सारे ऑपरेशन सारी गलतियां यहीं कर लो तो ठीक है वरना ये भी होता है, ये सब हादसे ना हो इसलिए बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग पहले सीख के जाएंगे। बात समझ रहा है? थोड़ा डर होना चाहिए गलती का, खबरें निकलती है, मतलब जो भी हो कई बार ऐसा अब गलती हो ही जाती। मतलब मैं नहीं मानता कि डॉक्टर अपनी तरफ से कोई जानबूझ के गलती करता है, हाँ लापरवाही जरूर हो जाती है। और उसका कारण भी है कि जब हम जॉब करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना नहीं रहती, तो जब बड़े बड़े सिस्टम चलते हैं वहां सबकी अपनी जिम्मेदारी तय है, और ऐसा कोई पेशेंट आ गया है जो किसी की जिम्मेदारी और दूसरे की जिम्मेदारी के बीच में कहीं फंस गया, या तो टाइमिंग वाइज या तो जिम्मेदारी वाइज, तो उसको कोई ध्यान नहीं देगा। अब बॉस सब कुछ तो नहीं देख सकता, तो गलती होती है, और फिर वो मैनेजमेंट की गलती होती बेसिकली, और फिर खबर आती है कि डॉक्टर का चैम्बर तोड़ा गया परिजनों ने घेरा हाँ भाई तो ठीक है, हम लोग क्रॉस ऑपरेशन अच्छे सीख लेते हैं ताकि ये नौबत ना आए। इसका दोनों के साथ बताओ जरा क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, इसका इसके साथ, फिर इसका दूसरे के साथ क्या आएगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर इसका ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। यार ये क्रम हम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि क्रम मैटर करता है यहाँ पे, किससे किसका क्रॉस है। फिर क्या लिखेंगे, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ये इतने टर्म आए हैं, और हमें नहीं पता कि आई क्रॉस आई की जगह क्या लिखना है, जे क्रॉस जे की जगह क्या लिखना है, या आई क्रॉस जे की जगह। तो यार जैसे हम लोगों ने पिछली बार डॉट का एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन से बनाया था, उसी तरह से मैं इनका भी एक्सप्लेनेशन बना रहा हूं कि इनकी जगह क्या लिखा जाए, तो कहां से जवाब मिलेगा, है ना यार? इस पूरे छोटे छोटे ऑपरेशन का जवाब देने वाला कौन है, ये डेफिनेशन, यही बॉस है यार। यहां पर जो भी गलती हो सकती है वो बॉस से हो सकती है। तो मुझे बताओ आई क्रॉस आई डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले आई का मैग्नीट्यूड, दूसरे का आई का मैग्नीट्यूड, और दोनों आई के बीच का एंगल इनटू ईटा गैप। मुझे बताओ आई और आई के बीच का एंगल जीरो होगा भाई, आई और आई दोनों एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हैं, तो ये क्या आएगा जीरो। तो मुझे बताओ जे क्रॉस जे क्या आएगा, तो बताओ के क्रॉस के क्या आएगा। यार पिछली बार सेम वाले वन थे, इस बार सेम वाले, जितने सेम वाले क्रॉस हैं वो कितना क्या आए हैं, जीरो। ये ऐसे याद रखना है, सेम वाले इसमें जीरो आए हैं। मुझे बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, कैसे एक्सप्लेन? अच्छा वो सबने वो ट्रिक समझ रखी है चक्की वाली, वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी तो भाई वो ट्रिक है या वो एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअली हमें वही बताया जाता है, एक्चुअली हमें वही बताया जाता है, तो हमें लगता है यही यही नियम है। भाई नियम तो एक ही है, वो डेफिनेशन है। तो फिलहाल यार हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, पहले आई का मैग्नीट्यूड, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड, और आई और जे के बीच का एंगल 90 ईटा कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 ईटा कैप। यार ईटा कैप एक जनरल नेम है जो कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसकी अपनी एक डेफिनेशन भी तो है। क्या डेफिनेशन? इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड। तो यार ईटा कैप एक जनरल, ईटा कैप जनरल यूनिट वेक्टर है, वो कभी कभी पर्टिकुलर भी आ जाता है। जनरल और पर्टिकुलर का अंतर सब लोग समझते हैं यार, जनरल मतलब कोल्डिंग इज अ जनरल नेम, पेप्सी इज अ पर्टिकुलर नेम, कोल्डिंग इज अ जनरल नेम, और छाछ इज अ पर्टिकुलर नेम, छाछ इज ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक इज अ जनरल नेम, और हम लोग क्या पीते हैं वो लस्सी, लस्सी इज अ पर्टिकुलर नेम। क्या समझ गए यार? फ्रूटी बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, समझ में आ गया है। तो ईटा कैप इज अ जनरल नेम जो कभी कभी पर्टिकुलर भी आ सकता है। पर्टिकुलर मतलब और हम कौन जानते हैं? अरे हम आई कैप जानते हैं, जे कैप जानते हैं, और तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जानते हैं। अब मुझे बताया आई क्रॉस जे की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या थी यार? ये जो ईटा कैप की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ हवा करते हुए चलो तो जो यूनिट वेक्टर आएगा अंगूठा जहां दिखाएगा वही लिखना है, वही ईटा कैप है। तो मुझे बताओ आई से, यानी आई से ये एक्स से वाई की तरफ चलो जरा, ये एक्स है ये वाई है, एक्स से वाई की तरफ यानी आई से जे की तरफ अंगूठा कहां दिखा रहा है? जेड, और जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो ईटा कैप जनरल नेम था जो कि अब क्या आ गया है? पर्टिकुलर क्या आ गया है? के कैप। तो क्या यहां पर हम ईटा कैप लिखना चाहेंगे? अब मैं कहूंगा ईटा कैप इज इक्वल टू के कैप, वो एक जनरल नाम था। तो बता आई क्रॉस जे फिर क्या आ गया? के कैप। बात समझ में आ गई है? तो मुझे बताओ जे क्रॉस आई क्या आएगा यार? 1 × 1 sin 90, ये तो सब वही रहेगा। लेकिन अब बता जरा जे यानी वाई से आई की तरफ हवा करते हुए चलो कहां आ रहा है? अंदर। अंदर मतलब बाहर के कैप, तो अंदर क्या? माइनस के कैप। क्या अभी समझ पा रहे हैं ये कैसे आया है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो चक्की वाला रूल है, इस वजह से होता है। अब हम रूल अलग बना लेंगे वो अलग बात है। मुझे बताओ जे क्रॉस के क्या आएगा? हाँ आई, तो के क्रॉस जे क्या आएगा? माइनस आई। तो के क्रॉस आई क्या आएगा यार? के मतलब जेड, जेड से आई की तरफ हवा करते हुए चलो अंगूठा कहां आ रहा है? तो ये क्या आ गया? प्लस जे। तो बताओ आई क्रॉस के क्या आएगा? ये सब कुछ हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसी ईटा कैप की डेफिनेशन से। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? तो डिफरेंट वालों में बहुत सारा चीजें हैं जो सोचना पड़ेगा, और इसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ये ट्रिक। बिल्कुल आखिरकार हमें ट्रिक ही काम आएगी, क्योंकि इतना सब हम कम से कम टेस्ट के दौरान, एग्जाम के दौरान नहीं सोचना चाहेंगे। लेकिन यार घर के दौरान तो सोचो यार। देखो यार, हम लोग ऐसा नहीं कि हर पढ़ाई केवल एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं भाई। इतनी बड़ी किताब, दो दो किताबें अगर हमें दिमाग में रखना है तो कुछ कन्विंसिंग कनेक्टिविटी तो होना चाहिए, भले वो यूज हो या ना हो, लेकिन कोई कन्विंसिंग कनेक्टिविटी तो होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को हर चीज के कारण पता होना जरूरी है। तो कम से कम फ्लो तो बने कि हाँ इससे बाद इसके ये आता है, इसके एक्सप्रेशन ये आता है, अब हमें इतना इतना याद रखना है। वो कितना याद रखना है, प्रैक्टिस करते करते प्रायोरिटी अपना सेट हो जाएगी कि क्या काम का है क्या नहीं काम का है। लेकिन पता तो सब होना चाहिए, वरना इतना सब दिमाग में रखना मुश्किल है। मुझे बताओ इस चक्की वाले रूल में क्या हम लोग पढ़ते हैं? अगर एरो के अलोंग चल रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा चल रहे हो तो, और दो कंटिन्यूअस का क्रॉस करने पे आगे वाला आंसर आता है। मतलब आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। जे क्रॉस के क्या आएगा? आई। अभी चक्की के अलोंग चले, उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के तो माइनस जे, उल्टा चल रहे ना, जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो। क्या समझ में आ गया है? ऐसे ही हमें रटना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। समझना इसलिए जरूरी है कि यार हमें पूरा पैटर्न समझ में आए कि ऐसा क्यों चल रहा है सब कुछ। तो बताओ इस वजह से ये होता है या इस वजह से ये होता है? एक्सप्लेनेशन तो यही है, वो तो ट्रिक है कि भाई हाँ ऐसे हम याद रख लेते हैं। बोतल हुआ करती थी यार, कहाँ गायब हो गई? मुझे लगा कहीं से ढूंढ के दे रहा हो तुम, बाहर रख दी क्या है मैंने? हाँ भाई, तो हमें ये पता चल गया कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई की जगह क्या रखना है। जरूरत हमें यहां पड़ी थी, हम 2D ऑपरेशन कर रहे थे, तो 2D ऑपरेशन के दौरान हमें यह समझना था कि इसकी जगह क्या आएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि सेम वाले ये टर्म क्या हो गया? जीरो। तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया?
जीरो, तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा, ए एक्स बी वाई, बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के होगा, और जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई होगा माइनस के, ए वाई बी एक्स माइनस के। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। आंसर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, के कैप यानी जेड के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, और उसके साथ जो आया है उसमें जेड वाला कोई टर्म नहीं है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अच्छा जरा ध्यान दें, जरा ये आंसर के अलोंग आया है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग आया है, ये वेक्टर किस प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में, ये वेक्टर कहां था, एक्स वाई प्लेन में। यानी अगर मैं बोर्ड के प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलूं तो ए और बी दोनों ही इसी बोर्ड में थे, और आंसर क्रॉस करने के बाद कहां आया है, क्रॉस करने के बाद आंसर कहां आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमने हर स्टेप पे डेफिनेशन यूज करी है, और डेफिनेशन ही यही थी कि क्रॉस करने के बाद जो आंसर आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्या बताओ, ये जो के कैप वाला वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। अरे बताओ, एक्स वाई प्लेन के वेक्टर के साथ के वाला वेक्टर 90 डिग्री पे होगा कि नहीं। तो क्या आंसर डेफिनेशन के मुताबिक आया है और आना ही चाहिए, क्या ये बात जस्टिफाइड है। तो पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया हमने क्या पढ़ा, सेम वाले यूनिट वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है, और डिफरेंट वालों के लिए हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट वालों के लिए ये हमने रूल बना दिया। तो मैंने यार अभी 2D का क्रॉस ऑपरेशन करना बताया है, और बहुत बेसिक से बताया है, कभी 2D वेक्टर आ जाए तो इतना काम करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 3D के लिए कुछ ज्यादा बड़ा काम करना पड़ता है, तो ये भी हमें आना ही चाहिए, ये बेसिक से भी कभी कभी करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या इसका आंसर बहुत याद रखने लायक है, नहीं है। अरे देखो, के वाला टर्म आया है बगल में जेड एक्सिस वाला, और अंदर क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, थोड़ा बहुत याद रखने लायक है अगर सीधे लिख पाओ तो। जैसे मैं चलो एक वेक्टर लिख रहा हूं, 2i माइनस जे क्रॉस 5i माइनस 2k, ठीक है, तो आंसर आएगा, नहीं 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 i j वाले दोनों वेक्टर हैं, तो आंसर किस में आएगा, k में। रूल क्या है, ax by, यार ये ax है और ये क्या है by, तो माइनस फोर माइनस फिर क्या है, ax by माइनस bx ay, यानी 5 इंटू माइनस वन, तो कितना आ गया है, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया है, 5 में से 1, ये k कैप आ गया, समझ गया। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो पूरा ऑपरेशन करो तो आंसर आ ही जाएगा, क्या ये सही लग रहा है, नहीं ना, चलो रहने दो, ये नहीं करेंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे अभी, सीधे हम लोग उसी पे आते हैं।
बताओ अगर मैं ये क्रॉस ऑपरेशन ओपन करना चाहूं तो कितने टर्म आने वाले हैं इसका, तीनों के साथ, इसका तीनों के साथ और इसका तीनों के साथ, कितने टर्म आएंगे? 9, जिसमें कितने सेम वाले होंगे? 3 सेम वाले होंगे, वो 0 हो जाएंगे। कितने डिफरेंट वाले होंगे? 6, यानी 6 टर्म आना है। अब उन 6 टर्म में वो कहीं आई क्रॉस जे आएगा, कहीं जे क्रॉस के आएगा, वो सब हम ये समझ सकते हैं कि जब हम 6 टर्म लाएंगे तो उसमें 2 आई वाले, 2 जे वाले और 2 के वाले आएंगे। लाना नहीं है क्योंकि हमें सीधे आंसर के मतलब है। तो आंसर क्या आएगा मैं उसको सजा के लिख रहा हूं कुछ स्टेप छोड़ने के बाद और याद रखने के तरीके से, शायद कर पाओ। तो याद रखने का तरीका क्या है? प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्या ये याद रहेगा? इसमें याद रखने जैसा क्या है? अरे है भाई, अगल बगल प्लस है और बीच में बहुत सजाने वाला तरीका है। अगर हमारे पास दो भालू एक जैसे और एक भालू अलग तरह का है तो कैसे सजाओगे? दो अगल बगल और बीच वाला डिफरेंट नहीं, ऐसी तो करोगे। तो सिमेट्री के तरीके से हमें याद रखना है। अब आई के साथ जेड वाला टर्म नहीं आएगा, नहीं, आई के साथ एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, और जे के साथ, और के साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ये आएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, एक्स वाला नहीं आया। ये क्या आएगा? ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, वाई वाला नहीं आया। और ये ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये उसी तरह का आया है। अच्छा, इसी से हमें क्लू लगा है कि ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई रिकॉल कर पाएगा क्योंकि इसका एक और मेथड बनाया गया है, सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और वही मेथड एक्चुअली लगाना भी चाहिए। हम लोग यार यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में पूरा डेटा लिखते हैं, आई के नीचे आई वाले कोफिशियंट, जे के नीचे जे वाले कोफिशियंट और के नीचे के वाले कोफिशियंट। अब हमें पता है कि इसका आंसर इस लुक में आना है, ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। क्या? हाँ, ये स्ट्रक्चर अगर कोई भूल रहा है तो इसका कोई तरीका नहीं है, बस वही भालू वाला तरीका है। दो भालू एक जैसे और एक अलग है तो हम दो को किनारे रखेंगे और एक को बीच में रखेंगे, तो माइनस वाला बीच में है और प्लस प्लस वाले भालू किनारे हैं, ठीक है। अब भालू क्या है? आई वाले के साथ एक्स वाला टर्म नहीं आना है तो इसको छुपा लेते हैं, और फिर इनका एक बार प्रोडक्ट करना है ऐसे नाक के बल यूं, ठीक है। क्या? ए वाई बी जेड के, फिर एक बार सर के बल ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्या? माइनस ए जेड बी वाई, पहला आ गया, ये छुपा के करना था। अब जे के साथ क्या आना है, उसके लिए क्या छुपा लें? जे वाला ऐसे छुपा लेते हैं और फिर एक बार नाक केवल गिरना है ऐसे, तो क्या आएगा? ए एक्स बी जेड, फिर माइनस क्या? बी एक्स ए जेड, क्या रहेगा? फिर यार के छुपा लेना है क्योंकि के नहीं आना वहां, ए एक्स बी वाई। अब याद रहेगा क्या? यार अब भी याद नहीं रहेगा तो और कोई तरीका मुझे नहीं पता, किसी और को पता है तो बताए। याद रहेगा भाई? गिर के नहीं दिखाऊंगा यार मैं, ऐसे बता दूंगा कितना यार। हाँ भाई, इतने से चल जाएगा काम। देखो ऐसा है कि चाहे 2D हो चाहे 3D हो, करना ऐसे ही है। जब 2D वेक्टर कभी आ जाए तो यार ये वाला टर्म 0-0 लिख देना, और जब तुम ये टर्म 0-0 लिखोगे तो ना ये आंसर आएगा ना ये आंसर आएगा। अरे भाई, जब तुमने ये टर्म ही 0-0 कर दिया तो ना ये वाला आंसर आएगा ना ये वाला, केवल कौन सा आएगा? के वाला। तो बस तुम्हें ऐसे याद रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? केवल के वाला आंसर आएगा अगर उनको 0-0 कर दोगे। एक ही तरीका याद रखो, क्योंकि ये सब लोग करते हैं और फिर भूल जाते हैं, रह जाता है वही।
क्या ये सबको पहले से पता है? फालतू टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हम लोग, क्योंकि पता तो सब है लेकिन सॉल्व करने पे अगर सही आंसर आते हैं तभी इसका फायदा है। तो हम यहां से इतना तो तैयार होके जाएं कि घर पे भी होता रहे। ओके, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। पहला क्वेश्चन ही है क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आने वाला है ए क्रॉस बी, उसका नाम हमने क्या रख दिया है? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर चाहिए, दैट इज ए क्रॉस बी। मैं कुछ मदद करूं? हाँ, हमें ए क्रॉस बी चाहिए है, तो सबसे पहले ऐसे टेबल बना देना है आई जे के, और आई के नीचे आई वाले कोफिशिएंट, जे के नीचे जे वाले, और के नीचे के वाले, और फिर वही आई माइनस जे प्लस के। मुझे बताओ आई के साथ ये एक्स है 2 और यहां कितना है 1, सही नहीं लिखोगे तो सब बेकार हो जाएगी मेहनत। जे के साथ यहां कितना है 1 और यहां कितना है, ये लिख लिया करो यार, मैं तो कह रहा हूं यहां 0 है। के साथ यहां कितना है -1 और वहां कितना है -1 -1। अब करो, फिल करने में गलती कर दी है तो फिर आगे का कोई भरोसा नहीं है। हाँ भाई, क्या गलत आंसर आ गया है? ठीक है, गलत है। अगला क्वेश्चन करो तो पता चल जाएगा सही है कि नहीं है। मैंने अगला क्वेश्चन पूछा है, चेक करो कि जो वेक्टर सी आया है वो ए के परपेंडिकुलर है या नहीं है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, और आगे है।
बीच में माइनस भी तो होता है भाई, एक्स बी एक्स क्या होता था, इसको छुपाएंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन माइनस, फिर इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। वन इंटू माइनस वन माइनस जीरो हो गया यार। जे के साथ क्या आएगा, टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। फिर के साथ क्या आएगा, इसको छुपा लेते हैं, टू इंटू जीरो माइनस वन इंटू वन। देखो यार ये आंसर आ रहा है माइनस आई, ये माइनस टू प्लस वन हो जाएगा यार, जरा सी सावधानी हटी आंसर गलत आएगा। यहां माइनस वन और माइनस वन पता है कितना हो गया, प्लस जे माइनस के, कितनों का आंसर आ गया है, यही आया है। माइनस आई प्लस जे माइनस के, ये आंसर आया है ए क्रॉस बी का, और इसी का नाम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सी वेक्टर। इस बात पे किसी कोई एतराज है, कोई दिक्कत है तो बताएं। अगला क्वेश्चन कहा गया चेक करो कि ये जो आंसर आया है यानी सी वेक्टर, वो ए के परपेंडिकुलर है या नहीं है, बी के परपेंडिकुलर। अच्छा तो परपेंडिकुलर कैसे चेक किया करते थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करके। यानी हमें क्या करना है, हमें यार ए के साथ इसका डॉट करना है, सी डॉट ए करना है और सी डॉट बी करना है। अगर ये जीरो आ गया मतलब सी ए और बी के परपेंडिकुलर है, सी हमारा क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस के, और उसका डॉट किसके साथ करना है, ए के साथ, दैट वाज टू आई प्लस जे माइनस के। जरा चेक करते हैं, माइनस वन इंटू टू वन इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस वन, क्या ये जीरो आ गया कि नहीं, और जीरो इस बात की गारंटी दे रहा है कि हमने सही किया है। जीरो आया है, कितने लोग आ गया है, बी के साथ डॉट करें जरा, इसी आंसर का मैं बी के साथ डॉट कर रहा हूं, और बी कितना था, वन आई प्लस जीरो जे माइनस के, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब हमने सही किया है। क्या तुम्हें याद है डेफिनेशन के हिसाब से कि जो सी वेक्टर आंसर आता है क्रॉस करने से, जो आंसर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी होता है, तो क्या डेफिनेशन के हिसाब से सब कुछ सही है। सेकंड आंसर हमने चेक कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर ए और बी का पैरेललोग्राम बनाया जाए तो उसका एरिया क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो क्या मैं उसके लिए ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उनके बीच का साइन थीटा लाऊंगा, तो फिर क्या करूंगा भाई, हमें पता है कि ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वही तो ए बी साइन थीटा होता है, तो तुम ए क्रॉस बी का मॉड करना चाहोगे अब या ए बी साइन थीटा लाना चाहोगे। नो डाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा होता था, लेकिन ये काना ये लाना अब तुम्हारे लिए कन्विंसिंग है या ए बी साइन थीटा लाना कन्विंसिंग है भाई, तुम्हें उसके लिए ए का मैग्नीट्यूड पता हो, बी का मैग्नीट्यूड पता हो, साइन थीटा पता हो, तब कर पाओगे ना। और ए क्रॉस बी का मॉड भी तो वही चीज होता है, तो अब तुम्हें क्या करना है कि वो जो ए क्रॉस बी लाए हो उसका मॉड ले लेना है। क्या तुम्हें याद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने क्या बनाई थी, वो होता था ए क्रॉस बी का मॉड, कितना आ गया, हाँ बिल्कुल, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, वो आ गया अंडर रूट थ्री, कितने लोग आ गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड ऑफ ए एंड बी एस टू साइड, क्या होता था यार, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल
वो होता था हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू। अगला आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी को समझ आ रहा है तो दिखाए पहले। ये क्या बोला गया है, किसी को समझ आ रहा है? क्वेश्चन में कहा गया राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड मैग्नीट्यूड 6√3। एक वेक्टर चाहिए हाँ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या अभी अभी हमने एक वेक्टर निकाला है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है? ये क्या अभी हमने ये दोनों के परपेंडिकुलर ही तो निकाला है? तो एक तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में, इसका नाम ले दो सी के डायरेक्शन में, हमें इतनी लेंथ का वेक्टर चाहिए। कितनी लेंथ का? 6√3। तो यार इस डायरेक्शन में 6√3 वेक्टर चाहिए। अब तुम सोचो यार ये काम हम किया करते थे जब यूनिट वेक्टर पढ़ा था, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में किसी भी मन माफिक लेंथ का वेक्टर चाहिए हो तो हम लोग क्या करते थे? हम करते थे उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे और जिस डायरेक्शन में चाहिए होता था उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते थे। कुछ याद आ रहा है? हमें इस डायरेक्शन में चाहिए है और 6√3 का चाहिए है। तो क्या 6√3 उसकी लेंथ हो गई और सी के डायरेक्शन में चाहिए है तो सी का यूनिट वेक्टर निकाल लो। क्या इसका यूनिट वेक्टर निकाल पाओगे? कितना आएगा? -i + j - k। क्या किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलता है और मैग्नीट्यूड कितना ला चुके हैं? तो ये आंसर आ गया है -6i + 6j - 6k। कितने लोग आ गया है? बात समझ में आ गई है? तो मैं जितनी भी संभावनाएं थी ना सब एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया हूं। इतने तरह के क्वेश्चन जो मैंने अभी दिए हैं क्रॉस में, इतने तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक साथ इसलिए कवर कर लिए हैं कि तुम अब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही कमांड आएगा, क्योंकि यार बहुत ही कम होंगे जो सब लोग सारे आंसर सही सही ला पाए होंगे। तो अब यार तुम्हें अपना काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस अभी नजर आ रहे हैं डॉट और क्रॉस के, यानी अब वेक्टर के सारे ही क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आना है। नो डाउट कुछ ना कुछ फंसेगा जरूर, ठीक है? तो अगली क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा मदद करूंगा। मैं चाहता हूं पहले तुम अपनी कोशिश कर लो, जितने बचे हैं सारे करके आना है डॉट क्रॉस वाले, ठीक है?